फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोए मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आई होप आपका M1 का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो भी महारिविजन में और मोस्ट लाइकली जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे, पूरे उसमें से पूरे क्वेश्चन आए दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड ट्रस्टिंग द चैनल। ओके, चलिए महारिविजन का एक और वीडियो लेते हैं हम लोग M2 के लिए। अब M2 का पेपर आ गया दोस्तों। अब M1 का पेपर अच्छा गया तो अब हाथ धोगे ना धोगे अपने को M2 के पेपर के पीछे पड़ जाना है, क्योंकि अब ये आउट ऑफ आने का बहुत चांसेस रहता है दोस्तों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करना भूलना नहीं दोस्तों। तो पहले सबसे पहले टेक्स्ट बुक का रिव्यू ले लेते हैं दोस्तों, कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्ट लाइकली आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और उसके बाद में एंड में मैं मोस्ट लाइकली क्वेश्चन सेट भी दूंगा अपने जोया मैथ्स एकेडमी की तरफ से, कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो भी 30 क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी आप आज ही प्रैक्टिस करना। ओके, टाइम कम है अपने लिए, चलिए तो शुरू करते हैं। सिमिलैरिटी में अगर देखेंगे दोस्तों, तो सिमिलैरिटी के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करेंगे हम लोग। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में से ये फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से आप देख लेना इसको। ओके, रेड पेन से टिक करता हूँ दोस्तों मैं, ताकि आपको अच्छे से दिखे भी। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको अच्छे से देख लेना आप, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, तो पेज नंबर 6 में ये दो क्वेश्चन को अच्छे से परफेक्ट कर लेना आप। ओके, नोट्स बना के परफेक्ट करना, प्रैक्टिस भी हो जाएंगी आपकी अच्छे से। BBT थ्योरम भी आ सकता है दोस्तों। ओके, तो थ्योरम की बात हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेते हैं। ओके, एंगल बायसेक्टर आपका पूरा रिड्यूस है दोस्तों, और 1.2 में से सिर्फ दो ही क्वेश्चन, तीन ही क्वेश्चन आपको परफेक्ट करना है दोस्तों। ओके, तो ये क्वेश्चन ले लीजिए अच्छे से। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है ये, और उसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एक्टिविटी है 3 मार्क्स की एक्टिविटी है, ये ऑलरेडी आ चुकी है दोस्तों। ओके, तो पहले टेक्स्ट बुक का रिव्यू ले लेते हैं अच्छे से, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग भी यही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, पेज नंबर 15 हो गया। फिर टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस के ऊपर भी दोस्तों एक क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 1.3 प्रैक्टिस सेट की मैं बात करूं, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप परफेक्ट कीजिए दोस्तों। ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन भी मोस्ट लाइकली है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद में ये ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है दोस्तों, 3 से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ओके, तो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना भूलना नहीं आप। ओके, और फिर ये दो दो मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप ये 8 क्वेश्चन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अच्छे से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसके बाद में 1.4 प्रैक्टिस सेट में से, ये प्रैक्टिस सेट में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये एक एक दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ओके, उसके बाद में ये फिफ्थ क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो लास्ट का 6th 7th क्वेश्चन है, ये आपका एक्टिविटी है 3 मार्क्स की दोस्तों। ओके, तो ये भी देखिए अच्छे से आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, प्रॉब्लम सेट के MCQs आप देख लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में दोस्तों सिर्फ आपको एक ही प्रैक्टिस सेट परफेक्ट करना है। ओके, वो भी 2.2 पूरा रिड्यूस है दोस्तों, तो इस साल वो नहीं आएंगे, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, और फिर बाद में ये ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी दोस्तों, मोस्ट लाइकली ये दोनों क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी के ऊपर है, इनको अच्छे से देखिए आप। ओके, उसके बाद ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, ये भी आप अच्छे से देखिए, और पेरीमीटर और साइड डायगनल का निकालने के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, 6th और 7th क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। 2.2 पूरा रिड्यूस है, तो ये हम नहीं करेंगे। सर्कल पे आ गए हम लोग, मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना ये सर्कल, तो सर्कल को आप अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों में से एक क्वेश्चन मोस्ट लाइकली हो सकता है 2 से 3 मार्क्स के लिए, तो आप ये दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से परफेक्ट कर लेंगे। ओके, पेज नंबर 55 हो गया। अब हम चलते हैं 58 की तरफ। ये क्वेश्चन भी अगर देखेंगे दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है सिमिलर है, बस यहाँ पर इंटरनल है और यहाँ पर एक्सटर्नल ही। ओके, इन दोनों के डिस्टेंस निकालने के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो ये दोनों क्वेश्चन परफेक्ट करना भूलना नहीं। ओके, फिर उसके बाद में हम ये क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ भी ज़्यादा
ध्यान देंगे क्योंकि ये 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं आर की तरफ, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल में अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। ओके तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप परफेक्ट कर लीजिए ये चैप्टर में, ये प्रैक्टिस सेट में से। ओके सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। दोस्तों ये थियरम है एक्टिविटी की शक्ल में, इसको परफेक्ट करना भूलना नहीं दोस्तों, बहुत इजी है, मोस्ट लाइकली ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है या फिर ये थियरम के अंदर पूछा जा सकता है। ओके आधा थियरम इधर भी आधी, तो ये देख लेंगे आप अच्छे से इसको। 69 पे हो गए अभी हम डायरेक्टली अब जा रहे हैं 3.4 प्रैक्टिस सेट पे, तो ये दोनों क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से परफेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड क्वेश्चन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके और क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग 3.5 प्रैक्टिस सेट रिड्यूस है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस है, इस साल नहीं आएंगी आपको परसों के पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है। अब दोस्तों ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी चैप्टर है मेरे हिसाब से, आप क्या करेंगे, दो ही प्रैक्टिस सेट है ये दोनों प्रैक्टिस सेट यानी कि फुल चैप्टर को आप कंसीडर करेंगे एकदम अच्छे से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस अपने को जानने चाहिए। ओके ढूंढ ढूंढ के इसके क्वेश्चन लिखेंगे आप अपने पेपर के अंदर, तो ये चैप्टर पूरा करेंगे आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे लिटरली। ओके सिर्फ इसमें आपको रफ फिगर और मेन फिगर ड्रॉ करना पड़ता है, स्टेप्स और कंस्ट्रक्शन मैंडेटरी नहीं है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके सिर्फ फिगर ड्रॉ करना है, तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्टली हम जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ, 5.1 प्रैक्टिस सेट के लिए आ रहा हूँ। ओके 5.1 में से डिस्टेंस आपने फर्स्ट क्वेश्चन परफेक्ट कीजिए और ये फिफ्थ क्वेश्चन परफेक्ट कीजिए दोस्तों। फिर कोलिनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे हिसाब से, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो इसका थर्ड क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन एकदम परफेक्ट कीजिए आप। ओके फिर बाद में ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखेगा ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ये भी आपको फाइंड करना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप अच्छे से देख लेंगे जो फाइंड एक्स अपने को निकालना है, सिंपल एकदम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला की तरफ और मिड पॉइंट फार्मूला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके अगर मैं 5.2 प्रैक्टिस सेट की बात करूँ यहाँ पर, तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 आप एकदम परफेक्ट कीजिए इसको। ओके सेंट्रॉइड का एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे आप कोई भी, मैं 2 ले रहा हूँ यहाँ पर। ओके फिर बाद में पॉइंट पी इज़ द डायमीटर, दोस्तों ये के वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये आप परफेक्ट करेंगे। ओके टिक करो आप ये अच्छे से और इसको आज ही प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 116 पे हूँ मैं अभी, तो आप 9th वाला क्वेश्चन अच्छे से देखिए दोस्तों, 9th वाला क्वेश्चन और ये 11th वाला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन रिड्यूस है दोस्तों, तो ये आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा रिड्यूस हो गया है। अब हम चलते हैं मेन ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ओके ट्रिग्नोमेट्री लास्ट चैप्टर ही अपना, उसके बाद आप देखेंगे 6.1 प्रैक्टिस सेट, एक ही प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, 6.2 तो पूरा रिड्यूस है, तो मेरे हिसाब से ये एक प्रैक्टिस सेट आप पूरा अच्छे से परफेक्ट कर लेंगे। ओके जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके इनको आप अच्छे से देख लेंगे। प्रूव द फॉलोइंग में स्टार्ट के जो 5 क्वेश्चन है दोस्तों ये आप एकदम अच्छे से परफेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप अच्छे से देख लेंगे। ओके तो ये क्वेश्चन आपको परफेक्ट करना है, बाकी मेंसुरेशन तो रिड्यूस है, 6.2 प्रैक्टिस सेट भी रिड्यूस है, तो ये अच्छे से आप परफेक्ट करेंगे, देखिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे M2 के अंदर भी। ओके तो ये M2 का टेक्स्ट बुक रिव्यू था। ओके अब चैनल की तरफ से दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन से मैं आपको दे रहा हूँ। ओके ये क्वेश्चन आपको परफेक्ट करना है, क्योंकि इसके सोल्यूशन भी मैं शेयर करूँगा दोस्तों, सोल्यूशन शेयर करने के लिए अभी अपने पास टाइम नहीं है, तो आप ये एक एक क्वेश्चन परफेक्ट कीजिए। देखिए स्क्रीन के ऊपर मैं ये पूरा पेपर आपको बता रहा हूँ। ओके तो ये आप अच्छे से देखिए पेपर को। ओके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए दोस्तों। ओके 2 क्वेश्चन और रह गए नीचे, तो ये भी आप देखिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं,
ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 16 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो अच्छे से, ओके। और फिर 17 क्वेश्चन भी देख लीजिए अच्छे से, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, ओके। मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 25 तक ये पेज के ऊपर है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन आपको सब सिमिलर दिखेंगे आपको एग्ज़ाम में भी, ओके। अच्छे से देखिए क्वेश्चंस को भी, क्वेश्चन नंबर 25 को भी देख लीजिए अच्छे से पूरा, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका और उसको सॉल्व करो, ओके। फिर पेज नंबर, ये लास्ट पेज है, पेज नंबर 4, 30 क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप परफेक्ट कीजिए, ओके। इसका सोल्यूशन भी मैं शाम तक आपके साथ में शेयर करूँगा, ओके। तो दोस्तों मिस नहीं करना, हमने पोस्ट भी डाले थे दोस्तों कि कौन कौन से फॉर्मूले बेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, और वही क्वेश्चन आए दोस्तों, ओके। तो ज्योमेट्री में भी ऐसी करना है आपको, रिग्रेट नहीं करना है, अपने चैनल को फॉलो करना है, और अच्छे से हम आपकी तैयारी कराएंगे और आपको आउट ऑफ भी दिलाएंगे दोस्तों, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द चैनल, प्लीज़ सेंड योर प्रेशियस कमेंट अबाउट द चैनल फॉर इम्प्रूविंग द चैनल, ओके। तो अच्छे से अपनी M2 की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी कमेंट है मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ भी क्वेश्चन है मुझे शेयर कीजिए, हम लोग वो भी चैनल के ऊपर लेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, M2 की अच्छे से तैयारी कीजिए, और देखते रहिए ज़ोया मैथ्स एकेडमी।